टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस, वी हैव बेसिकली फोकस्ड अपॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और मैक्सिमम हम लोगों ने इसके स्टेप्स कर लिए हैं. फर्स्टली वी लर्नड हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई. हमारे पास चार एप्रोप्रिएशंस रहती हैं, ट्रांसफर टू एनी टाइप ऑफ रिजर्व, देन वी आर हैविंग प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर, एंड देन वी हैव इंटरिम डिविडेंड. चारों में से अगर चार दी हैं तो आपने चारों को एड बैक करना है, और अगर कोई दो या तीन दी है यू हैव टू एडजस्ट. और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है डब्ल्यू एन, मीन्स इसका सारा हिसाब किताब वर्किंग नोट्स में है. तो आप सारा प्लस माइनस वहां पे करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे. आप अगर ईओआई दे रखा है लाइक इंश्योरेंस क्लेम रिसीट फॉर द डैमेज ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक दे रखा है, पहले वो क्या होगा माइनस होगा और फिर जो क्लेम है वो क्या होगा एड होगा, दैट यू नो. ठीक. और उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या आता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन कैश में मैं बार बार रिपीट करती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम वी हैव इन द क्वेश्चन दैट इज डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, एम राइट? देन गुडविल रिटर्न ऑफ और गुडविल अमोर्टाइज्ड, पेटेंट राइट्स एंड कॉपीराइट्स रिटर्न ऑफ. So these all are the things which we call non-cash items. Then we have non-operating expenses which are of not regular nature, like interest on debentures paid, then loss on sale of asset, then increase in provision for doubtful debt. Right? जो मेरे mind में है that I am repeating. Then non-operating incomes क्या करनी है, minus करनी है. Non-operating incomes में profit on sale of asset होगा, rent received होगा, dividend received होगा, interest received होगा, and decrease in provision for doubtful debt. जो ये प्लस माइनस करके आएगा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को, जो आपके पास प्रॉफिट आएगा उसे बोला करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब वर्किंग कैपिटल का मेरे को इफेक्ट देखना है, और वर्किंग कैपिटल में हमारे पास आते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी and decrease in current assets are to be added. क्या मतलब है? अगर आपने कोई short term loan raise किया है, means current liability बढ़ रही है, current liability बढ़ रही है, तो you are using the money. आपके पास पैसा आया, cash का inflow हुआ, इसलिए उसे add करना है. अगर current asset कम हो रहे हैं, means आपने बेच दिए हैं कोई पुराने current asset and you are receiving the money, again that will be inflow of cash. इन दोनों का reverse minus करना होता है. Decrease in current liabilities means आपने अपने करंट लाइबिलिटीज की रीपेमेंट कर दी, एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स मींस आपने और एसेट्स खरीद. प्लस माइनस करने के बाद आपका आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, या कैश फ्लो, मेरे को लगता है कैश फ्लो लिखता है, फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. अब अगर क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है करंट ईयर का, या नीचे टैक्स पेड अलग से दे रखा है, वो अलग अलग ट्रीटमेंट है, वी विल डिस्कस व्हेन दैट केस विल कम, राइट? और नेट ऑफ रिफंड आपने माइनस करना है, लेस टैक्स पेड, नेट ऑफ रिफंड. अगर ये सारा कुछ कर कर आके आंसर पॉजिटिव में आता है तो वी विल राइट अ वर्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो वी विल बी राइटिंग अ वर्ड कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट? So this thing you have to keep in mind. This all is about operating activities. So let's proceed to the next activity today, which we call investing activity. बार बार बताया हुआ है आपको, ये सारा हो गया. और जब हम lengthy question किया करेंगे, either we can call it number one or we can call it A. मतलब पहली activity हमारी खत्म हो गई, या तो Roman में one लिख देना इसका नाम, या capital में A लिख देना. जब आपने इस एक्टिविटी को फिनिश कर लिया, उसके बाद हम हेडिंग बनाया करेंगे. कंटिन्यूशन में क्वेश्चन चलता है भाई, छह नंबर का जब आता है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, चार चीजें आनी है भाई इधर, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें कुछ लेजर अकाउंट भी बनते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू दैट वी विल डिस्कस थॉरली टुडे. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या लिखना है मैंने यहाँ पे, सेल एंड परचेज ऑफ बोथ द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, लाइक गुडविल इफ इट इज इंक्रीजिंग इन्वेशन, अर्लियर इट वॉज ऑफ 2 लाख और करंट ईयर में 250 हो गई, मीन्स मैंने गुडविल खरीदी है. And when we buy goodwill, that will be purchase of our intangible fixed asset or non-current asset. That will be your outflow. Sale. अगर आप पुराने asset बेचते हैं तो inflow होगा. अगर आप नए asset खरीदते हैं तो outflow होगा. ठीक है. Sale and purchase of non-current assets.
क्योंकि करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को हम ऑपरेटिंग में क्या कर चुके होते हैं, एडजस्ट कर चुके होते हैं आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वी हैव अ स्टेप ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. ठीक, तो रह गया हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, उसका सेल और परचेज इन्वेस्टिंग में आना है. सिमिलरली सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. एंड तो कई चीजें पॉजिटिव होंगी, जब सेल होगी तो हमारा वो कैश इनफ्लो होगा, वो पॉजिटिव में जाएगा, जब परचेज होगा तो वो नेगेटिव में जाएगा, राइट, वो आउटफ्लो होगा. सेल एंड परचेज ऑफ यस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट. अगर ये सारा आंसर पॉजिटिव में आता है तो यू विल बी राइटिंग द सेम वर्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. यू विल ईदर बी कॉलिंग इट नंबर टू और बी, बुक में वो ए बी सी लिखता है, ठीक. और अगर नेगेटिव में आता है तो यू विल बी राइटिंग अ वर्ड इन कैश यूज. लेट मी राइट अ वर्ड. इफ इट कम्स इन पॉजिटिव तो जनरेटेड, अगर नेगेटिव है तो यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो वी आर गोइंग टू पिक इट टूडे. ठीक, चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस, फिर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वी हैव अराइव्ड एट ऑन पेज नंबर 5.42. सी 5.42 पेज. मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे कुछ लेजर अकाउंट बना करेंगे, और लेजर अकाउंट कब बनेंगे और कैसे बनेंगे, लेट्स डिस्कस दैट. फिक्स और लेजर अकाउंट फिक्स एसेट्स का ही बनेगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीन. और कब बनाना हम लोगों ने प्रेफर करना है, जब प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट है. बैलेंस शीट में इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा और नीचे इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट होगी, ठीक है. पहले मैं बताती हूँ बैलेंसिंग बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल इन माई ओन इमेजिनरी एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी ही इज गिविंग 35 लाख. ये करंट ईयर का कॉलम है भाई, एंड अर्लियर इट वॉज 28 लाख. दिस इज सी ईयर, दिस इज पी ईयर. तो ये आपको बैलेंस शीट में फिगर दे रखी है कि बिगिनिंग में आपका बैलेंस कितना था, 35 लाख. दिस आई रोट 35 लाख, और प्रीवियसली इट वॉज 28 लाख. एट द लास्ट इट कम्स टू 35 लाख, एंड एट द एंड इट वॉज सॉरी एट द बिगिनिंग इट वॉज 28 लाख. नीचे लिखा है कुछ अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 120, ब्रैकेट में लिखा है इसके ऊपर एक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000, सोल्ड फॉर 75,000. क्या मतलब है इस लाइन का, ये एडजस्टमेंट दे रखी है. इट इज डेड श्योर कि मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना के मिसिंग वैल्यू निकालूंगी. क्या मतलब है इस लाइन का, इस मशीन में 1,20,000 की एक मशीन थी जिसके ऊपर 30,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, मींस उसकी बुक वैल्यू 90,000 थी. हम ऐसे ही किया करते थे प्लस वन के डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में. दिस इज ही इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, देन ही हिमसेल्फ इज गिविंग द डेप्रिसिएशन ऑन द सोल्ड पार्ट. मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला और मेरे पास जो वैल्यू आई, आई कॉल इट बुक वैल्यू. सो इस बुक वैल्यू की चीज को सेलिंग वैल्यू 75,000 पे आप बेच रहे हैं, एज द सेलिंग वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू वी आर एट लॉस. सो 15,000 आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होगा. अब इसकी एंट्री क्या किया करते हैं, पहले तो देखना यहाँ पे इनफ्लो ऑफ कैश कितना होगा, 75,000. एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड 75,000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 30,000, लॉस ऑन सेल ऑफ, और ये और सुनना एक बार, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड भी करोगे. तो इस टॉपिक में से आपकी ऐसी फिगर्स निकलने वाली है विच यू विल बी हाफ or partly you will be treating in the operating activity and partly you will be taking in the investing activity. Had you not been calculating this difference of book value and selling value, how can you come to know about the loss on sale of asset or profit on sale of asset? So firstly you will be referring your investing activity, matlab pura question ek sequence mein chalega. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की आप सारी एडजस्टमेंट पढ़ोगे, फिर देखोगे इसके ऊपर कोई लॉस तो नहीं है. अगर आपने लॉस को इग्नोर कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर तो गलत आ जाना, ठीक है. सो आपको माइंड में रखना है कि इस एक्टिविटी में से लॉस और प्रॉफिट निकल सकता है,
which or depreciation bhi yahi se nikalni hai because depreciation is always being levied on your fixed asset which we call non current asset, right? So this thing you have to keep in mind. Loss on sale of asset, that is what depreciation was 30,000, so loss was 15 to plant and machinery. So इस एंट्री की हम पोस्टिंग करेंगे जब प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, दैट कम्स टू मी 120. यहां तक मैक्सिमम बच्चों को समझ आ जाना चाहिए. वेरी सिंपल, यहां तक ये चैप्टर मैंने डेप्रिसिएशन का रेफर किया, प्लस वन में किया होता है आपने. वर्किंग नोट्स के अलग से मार्क्स होंगे भाई, वन मार्क वर्किंग नोट्स का रहता है, नीचे तीन फॉर्म में बनाना है. सो ओपनिंग बैलेंस एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. ओपनिंग बैलेंस आई विल बी राइटिंग ऑन द डेबिट साइड एंड दैट कम्स टू मी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 28 लाख. साथ में मैंने क्लोजिंग की भी पोस्टिंग कर ली, बाय बैलेंस कैरी डाउन 35 लाख, राइट? अब क्या करें बेटा जी, व्हाट टू डू? जो एसेट बेचा है बाय बैंक 75, मैं साथ में हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ कि इसके साथ IF लिख दो. IF का मतलब क्या है? इनफ्लो ऑफ कैश है. और कौन सी एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश है? क्योंकि आपने अपना पुराना एसेट बेचा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऑफ कैश है 75,000. अभी मैंने करवाया जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट आपको सिखाया, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट. सो दिस इज माय नॉन करंट एसेट, आई एम सेलिंग इट, इट इज गोइंग टू बी इनफ्लो इन माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे बिकॉज इट इज इनकमिंग ऑफ द कैश. देन बाय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ओनली डेप्रिसिएशन, सो दिस डेप्रिसिएशन यू विल पिक and you will be writing it in your operating activity as non cash item. Kitna depreciation chahiye? Sold part ka hi hai, that is 30,000. Then by loss, this also you will pick and you will be writing it under non operating expenses and that loss we have 15,000. So ye 120 total banta hai, ye ban gaya 36,20,000, hai na? Is side ka total kya hai? Kam hai. अब यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगी 8,20,000. आपने और मशीन खरीदी होगी टू बैंक और इसके साथ हम OF लिखा करेंगे, साथ में ये बैलेंसिंग फिगर भी है. मतलब आपकी बिगिनिंग में अगर मशीन 28 लाख की हो, एंड में 35 की हो जाए और इतने की आप बेचो भी, तो बाकी कहां से आई भाई? इट मींस कि आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदी होगी. यू बॉट ऑफ रुपीज 8,20,000 विच इज गोइंग टू बी योर outflow in which activity? In your investing activity. So investing activity में ये positive आएगा, ये negative आएगा. अगर question में सिर्फ यही है investing activity का, तो investing activity का answer negative में आ रहा है भाई, क्योंकि 8,20,000 आपका क्या है? Negative figure है. That is outflow of the cash because you purchased. और आप इसके आगे wording लिखेंगे purchase of plant and machinery. इसके आगे आप wording लिखेंगे sale of plant and machinery. So this is the way why and how the fixed asset accounts are to be prepared. If in the question we have opening and closing balance both given, वो होंगे, obviously होंगे, plus उससे related नीचे adjustment, तो आपने इसका ledger account बनाना है. और adjustment हमारे syllabus में सिर्फ एक ही है, that is sale. कि आप इतने की machinery बेचते हो या furniture बेचते हो, जो भी land and building बेचते हो, so whatever name he will be calling that particular asset, for that you will be preparing a ledger account and you will be finding the balancing figure, right? Let's see. 36th पे आओ, 36th illustration from your book at page number 5.43, 36th illustration. Let's see. यहां तक किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट टू एनी वन? यू मे आस्क, यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? यस स्टूडेंट्स, yes, example number 36. What he wrote, let's see. Global Limited has machinery. Return down value का मतलब है इसमें से depreciation already minus हो रखा है. कभी ऐसा भी होगा when he will be giving you the asset at cost price. When he will be giving you the asset at cost price, then accumulated depreciation or provision for depreciation का हम अलग account बनाया करेंगे. लेकिन ये पहले cases उसने simple बताए हमें. बनाए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इट्स ओनली मशीनरी, सो आई विल बी प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट फर्स्ट.
फर्स्ट अप्रैल को बैलेंस है, मींस वो ओपनिंग बैलेंस है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच बैलेंस ही इज गिविंग, 8,60,000, और वही बैलेंस बढ़ के 950 हो गया. मान लो नीचे कोई एडजस्टमेंट ना होती, फिर मैं ये अकाउंट नहीं बनाती. स्टार्टिंग में बैलेंस अगर किसी मशीनरी का 860 है और बढ़ के वो बैलेंस कितना हो जाता है, 950 हो जाता है, आई विल बी अज्यूमिंग 90,000 की मशीनरी और खरीदी होगी. लेकिन क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, मेरे को उसकी पोस्टिंग करनी है, देन आई विल बी फाइंडिंग आउट द बैलेंसिंग फिगर. डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बाय डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा है. सो ये डेप्रिसिएशन आप उठाओगे और ये आपकी नॉन कैश आइटम बनेगा. कहां पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा. दैट ही इज गिविंग 40,000. चलो जी आगे चले. इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड, सेलिंग प्राइस इज 25,000, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 20,000. 20,000 की वैल्यू को आप कितने में बेच रहे हैं, 25,000 में. वी आर एट प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, 5,000 ऑन सेल ऑफ मशीनरी. सो 5,000 वी आर गेनिंग. वंस वी आर गेनिंग 5,000, दिस इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम एज वेल, विच यू विल बी डिडक्टिंग इन योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है, सो कितने में बिका बाय बैंक, 25,000 में. एंड आई ऑलवेज राइट विद इट IF. IF का मतलब इनफ्लो. जब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करूंगी तो ये मैं इनफ्लो उठाऊंगी. अब देखिए इस साइड का टोटल कितना है, 90, 10-15, यस 10,15,000, 10,15,000. हाउ मच टू डिडक्ट, 865. आंसर निकालो, 000, दिस इज व्हाट, 5 और इधर 9. 1,50,000 का हमने एसेट, ठीक किया मैंने, 1,50,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी. मींस उतने की मशीनरी आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदी होगी. दिस इज BF एज वेल एज OF, मतलब ये आउटफ्लो. यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यू मे रेस योर हैंड, यू मे आस्क योर क्वेरी. एनी डाउट टू एनीवन, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? अब मैंने छोटा सा आपको सिखाना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे लिखनी है. ये हेडिंग बनाया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे उसमें चाहो तो पहले नेगेटिव वाली फिगर लिखो, चाहो तो पहले पॉजिटिव वाली लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. मैं पहले पॉजिटिव लिखना प्रेफर करती हूँ. सेल ऑफ मशीनरी, ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, नॉन कैश आइटम है, ऑपरेटिंग में जाएगा. यहाँ पे सिर्फ इनफ्लो ऑफ कैश आएगा, दैट इज 25,000, और इधर से आउटफ्लो ऑफ कैश आएगा, दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी. ये बैलेंसिंग फिगर हमने खुद बनाई, निकाली. अगर हम ये लेजर अकाउंट ना बनाते तो हमें कहां से पता चलता कि परचेज कितना करा है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर फोर्स्ड टू प्रिपेयर परचेज ऑफ मशीनरी, 1,50,000. सो 1,50,000 आपका गया है, 25,000 आपका आया है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1,25,000, लेकिन नेगेटिव. तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आ रहा है, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. Any doubt to anyone about it? So he just put forward only one case whereby he is asking from us calculate investing activity. So dekho 125 hi answer. Yes, or he put it in the bracket the way I put it in the bracket. Bracket mein present kari gayi figure cash flow statement ke chapter mein is a negative figure. It means ki hamare paas aaya paisa kam hai is activity mein aur gaya jata hai. हमने 1,50,000 की नई मशीन खरीदी और पुरानी मशीन डिस्कार्ड करी, वो 25,000 में बिकी. और ये जो प्रॉफिट है ये इस लेजर अकाउंट में से उठाओगे और ये कहां पे जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम की तरह ऊपर क्या होगा, माइनस होगा ऑपरेटिंग में. और ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम की तरह ऊपर ऐड होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. सो दिस ऑल थिंग यू हैव टू कीप योर माइंड. सारा सिस्टम सीक्वेंस में है और स्टेप वाइज है, कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करोगे. अगर एक एक्टिविटी का आंसर गलत आया, नीचे आके सारी एक्टिविटीज गलत हो जानी है. ठीक है, सो यू नीड टू बी कॉन्शियस एनफ, यू नीड टू बी अलर्ट एनफ. फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. 37th करने से पहले ही इज टॉकिंग अबाउट, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो क्या करना है. तो आपने एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे बनाना है. आपको सिखाया हुआ है प्लस वन क्लास में, वेन एवर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज बीइंग ओपन, द वैल्यू ऑफ एसेट इज ऑलवेज शोन एट कॉस्ट.
अभी जो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन करी और जो मैंने अपनी इमेजिनरी एग्जाम्पल करवाई आपको, उसमें मैंने एज्यूम किया एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है. व्हेन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट देयर देन व्हाट टू डू.